वेलकम बैक मैं चैनल। आज के इस वीडियो में मैं चावल से फेशियल करने वाली हूँ। एक्चुअली चावल हमारे फेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। चावल में बहुत आटे में एंटीऑक्सीडेंट, फॉलिक एसिड, विटामिन वगैरह भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे चेहरे के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, जैसे दाग धब्बे, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ओपन पोर्स और बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे हमारे चेहरे बहुत ज़्यादा लूज हो जाते हैं तो उसे भी टाइट करता है। तो चावल हमारे फेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। वीडियो में पूरी प्रोसेस बताऊंगी इसे तैयार कैसे करने हैं, इसमें और बाकी इंग्रेडिएंट कौन कौन से लगेंगे। सारे इंग्रेडिएंट हमारे किचन में उपलब्ध होते हैं और वो बहुत ही अफोर्डेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है फेस क्लींजर का। ये क्लींजर कह लो या टोनर कर लो, दोनों में ये हेल्प करेगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेना है चावल, उसे वॉश कर लेना है और उसमें आरओ का वाटर ऐड करके रात भर भीगने के लिए छोड़ देना है। सुबह में उस वाटर को लेकर स्प्रे बॉटल में डाल लेना है और उसके बाद उससे स्प्रे बॉटल से अपने फेस पे स्प्रे करना है। तो चलिए मैं अपने फेस पे स्प्रे करके उसे कॉटन की हेल्प से मैंने अपने फेस को साफ किया है। एक्चुअली राइस वाटर एक बेहतरीन क्लींजर होता है जो हमारे फेस की इम्प्योरिटीज को दूर करता है। तो चलिए सेकंड स्टेप, अब हमने अपने फेस को स्टीम कर लेना है और स्टीम करने के लिए आप ये सेम प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। गर्म वाटर लेना है और कॉटन से अपने फेस को ऐसे जो भी मैं कर रही हूँ ये वाली स्टेप कर लेनी है, क्योंकि जब भी हम इसके बाद हमारा स्टेप आता है स्क्रब का, तो स्क्रब करने से पहले जब भी हम स्टीम ले लेते हैं तो जो भी पोर्स होते हैं वो क्लोज हो गए रहते हैं, वो ओपन हो जाते हैं और स्क्रब करने से अच्छे से वो जो भी इम्प्योरिटीज होती है, जो भी डेड सेल्स होती है, ब्लैक हेड होती है, वो बाहर आ जाती है। तो मैंने स्क्रब कर लिया, मैं फील कर सकती हूँ मेरा फेस और नोज बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट लग रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। इस बार आती है स्क्रब करने के लिए। स्क्रब करने के लिए हमने बनाना है चावल का आटा। तो चावल के आटे के लिए मैंने वो जो क्लींजर का वाला चावल था उसे ड्राई कर ली, उसको ग्राइंड कर ली और ये चावल का आटा हमारा तैयार हो गया। तो उसके लिए मैंने फिर चावल के एक स्पून चावल के आटे को लिया और हनी को ऐड की और इसे लीजिए हमारा स्क्रब तैयार हो जाता है। ये स्क्रब हमारे फेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि चावल का आटा फेस के डर्ट को दूर करता है, वही शहद स्किन को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। शहद में मौजूद जो भी पोषक तत्व होते हैं वो स्किन को नरिश करता है। हमें वीक में कम से कम एक दो बार तो इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचुरल है और हमारे फेस को हार्म भी नहीं करेंगी। तो चलिए हमने अपना अब नेक्स्ट स्टेप मसाज क्रीम रेडी करना है। तो मसाज क्रीम के लिए मैं पका हुआ चावल लूँगी, उसे वाटर की हेल्प से ग्राइंड कर लूँगी, उसके बाद एलोवेरा जेल ऐड करूँगी, क्योंकि एलोवेरा जेल में विटामिन ई होता है और हमारे फेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। उसके बाद मैं कोकोनट ऑयल डालूँगी और कोकोनट ऑयल मैं भर भर के डालूँगी, क्योंकि ये जो क्रीम है उसे स्लिपरी होना चाहिए, तभी हमारे फेस पर मसाज अच्छे से होगा। तो ये मेरा बनकर मसाज क्रीम तैयार हो गया और ये बहुत ही अच्छा था यार, क्या बताऊँ। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा था कि मन कर रहा था बहुत ज़्यादा इससे मसाज करूँ, बहुत ज़्यादा स्लिपरी था। एक्चुअली राइस से मसाज करने से स्किन ब्राइट होता है, फेस का ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, स्किन को रिपेयर करता है और ये हमारे स्किन को यंग बनाए रखता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप ज़रूर ट्राई करो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इससे मेरा फेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा था और बहुत ज़्यादा ब्राइटन लग रहा था। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। हमने नेक्स्ट स्टेप जो है वो फेस पैक की, तो इसे रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैं ली एक चम्मच चावल का आटा, एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी और एक से दो चम्मच दही, ताकि वो अच्छे से ऐड हो सके, और कुछ नींबू की बूंदे, और ये नींबू इतनी ड्राई थी कि निकल ही नहीं रही थी बाबा, तो ठीक है। और इसमें कुछ रोज़ वाटर ऐड करूँगी, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सही बनी रहे ताकि ये फेस पर अप्लाई हो सके। तो चलिए इन सब के बेनिफिट्स बता देती हूँ। अगर स्टार्ट करूँ रोज़ वाटर से, तो रोज़ वाटर हमारे फेस को मॉइस्चराइज करता है, किल मॉइस्चर को दूर करता है और बढ़ती उम्र को भी कम करता है। तो नेक्स्ट अगर मैं मुल्तानी मिट्टी की बात करूँ, तो ये एक्ने वगैरह के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, फेस को स्किन को कूल करके रखता है। बात अगर दही की करें, तो दही हमारे फेस के ड्राइनेस को दूर करता है और दही में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज होते हैं जो चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। नींबू की बात करें, तो नींबू भी में एस्ट्रेजेंट प्रॉपर्टी होती है जो फेस के डर्ट को दूर करती है और स्किन को ब्राइटन बनाकर रखती है। तो सारे स्टेप हो जाने के बाद लास्ट स्टेप आता है फेस को टोन करने के लिए। तो टोन के लिए मैं वही राइस वाटर का यूज करूंगी। राइस वाटर एक बेहतरीन टोनर है, यह मुहासे को दूर करता है, ओपन पोर्स को कम करता है, सनबर्न को कम करता है और एंटी एजिंग में भी हेल्पफुल होता है। बाकी ये सारे प्रोसेस बहुत ही बेनिफिशियल, आप ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड कैसा लगा आज का ये मेरा वीडियो, ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ज़रूर कमेंट करें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।